मैंने फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद मेरा दिमाग खेल गया। इस फिल्म में एक आदमी होता है, वो एक लड़की पर तांत्रिक प्रक्रिया कर रहा होता है। तभी इस बात की सूचना गांव वालों को लगती है और सभी गांव वाले वहां पहुंचकर उस आदमी और उसकी पत्नी को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और जिंदा जला देते हैं। मरते वक्त भी वो आदमी मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ता है। इस घटना में उसका बेटा बच जाता है और गांव वाले उस तांत्रिक के बेटे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन उस तांत्रिक का बेटा हमेशा कोई ना कोई मंत्र पढ़ता रहता है, साथ ही उसके घर को भी बंद कर दिया जाता है। फिर 12 साल बाद दिखाया जाता है कि धार्मिक उत्सव के दौरान गांव के मंदिर में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसके बाद उस गांव में इतनी खतरनाक घटनाएं होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समस्या के समाधान के लिए गांव का पुजारी एक प्राचीन किताब से गांव की समस्या का समाधान करने के लिए एक उपाय बताता है जिसमें पूरे गांव को शामिल होना होता है। साथ ही पुजारी कहता है कि इस किताब के हिसाब से जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक गाँव का कोई भी व्यक्ति गाँव से बाहर कदम नहीं रखेगा। अगर कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर कदम रखता है तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा और मृत्यु होना तो इसमें एक छोटी सी बात होगी। लेकिन जब ये अनुष्ठान शुरू होता है तब एक प्रेमी जोड़ा गांव से बाहर मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वे गांव से बाहर जाते हैं तभी लड़की के प्रेमी की मौत उसके सामने ट्रेन से कटने से हो जाती है। उसके बाद उस लड़की की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उस गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति की अचानक दर्दनाक तरीके से मौत होने लगती है। उस गांव के लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी आत्मा को किसी चीज में कैद कर दिया हो और उनके शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। अब इस पूरे गाँव की समस्या का समाधान कैसे करा जा सकता है, इस चीज को जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी में बताया गया है कि तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हर एक उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है जो कि असंभव है, और उस ज्ञान को भी प्राप्त किया जा सकता है जो संसार से विलुप्त हो चुका है। ये मूवी काफी ज्यादा कमाल की है, इसको अकेले देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। 2023 में रिलीज हुई साउथ इंडियन मूवी वीरू प्रकाशा।